सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 7 बेस्ट गेमिंग 5G स्मार्टफोन अंडर 15,000, जहाँ पे आपको 15,000 के अंदर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला 68 वाट की फास्ट चार्जिंग, और दोस्तों यही नहीं, आपको OIS की सपोर्ट भी दिया गया है, और सभी डिवाइस 5G के साथ भी आने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अगर ढूंढ रहे हो 15,000 के अंदर बेस्ट पावरफुल गेमिंग 5G स्मार्टफोन, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो इसे इन तक जरूर देखना, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के इस लिस्ट की जो सबसे पहली डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये डिवाइस होने वाला है वीवो की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस वीवो T3X 5G, जो इंडियन मार्केट पे काफी पॉपुलर सा एक सीरीज है। तो सबसे पहले बात करें इसके लुक एंड डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पे आपको राउंड शेप पे कैमरा मॉडल मिलने वाले रियर पे, जहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलेगा प्लास्टिक बैग के साथ। डिवाइस की वेट होने वाले 199 ग्राम, तो थोड़ा सा हैवी है। ओवरऑल डिवाइस की लुक काफी तगड़ी है। और दोस्तों, इसके बाद बात किया जाए डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिलने वाले। डिवाइस काफी स्मूथ होने वाले। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 1000 नीट पीक ब्राइटनेस मिलेगा, तो आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। डिस्प्ले की बात किया जाए इसके कैमरा के बारे में, तो कैमरा सेटअप भी काफी तगड़े है। यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 MP का होने वाले, जिससे आप 4K 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आप इस कैमरा से 4K तक वीडियो शूट कर सकते हो, जो मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट पे वीवो फर्स्ट टाइम करने वाला है। उसके साथ साथ 2 MP का एक डेप्थ कैमरा भी दिया गया है। वही पे बात किया जाए फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 8 MP का एक सेल्फी कैमरा, जिससे भी आप 1080p 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी तगड़ी है, और वीडियो भी आप 4K तक शूट कर सकते हो। तो इस डिवाइस को आप ब्लॉगिंग या फिर कैमरा सेंट्रिक मोबाइल के हिसाब से भी बाय कर सकते हो। मुझे लगता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है। और दोस्तों, ये डिवाइस कैमरा के साथ साथ परफॉर्मेंस वाइज भी काफी तगड़ी है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट, जो 4nm पे बेस है। और दोस्तों, ये एक 5G चिपसेट है, जिसके एंटूतु स्कोर 5,60,000 से भी ऊपर है। तो आप समझ सकते हो इस प्राइस पॉइंट पे इतना पावरफुल सा एक चिपसेट मिलने वाला है, जो इस डिवाइस को काफी पावरफुल बना देगा। दोस्तों, इस डिवाइस को आप गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, हाई लेवल की गेम आप इस डिवाइस पे प्ले कर सकते हो। बात किया जाए रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलने वाले हैं, जहाँ पे बेस वेरिएंट 4GB 128GB 6GB 128GB और 8GB 128GB मिलने वाले हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाइक कर सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले। और दोस्तों, नेक्स्ट इस डिवाइस पे आपको और एक हाइलाइटेड फीचर मिलेगा, जहाँ पे इस डिवाइस पे 6000 mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा। उसके साथ साथ 44 वाट की फास्ट चार्जिंग भी रहेगा, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को बहुत ही जल्दी चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये तो होगा इसकी सभी मेन फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके अदर छोटे मोटे फीचर के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, 3.5 mm जैक यहाँ पे मिलेगा। उसके साथ साथ ये डिवाइस डुअल स्पीकर के साथ आने वाले। हाँ दोस्तों, स्टेरियो स्पीकर के सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों, ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 और फन टच ओएस 14 पर रन होने वाला है। तो दोस्तों, ये तो था इसकी सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी जो बेस वेरिएंट 4GB 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 13,500 है, पर आपको मैक्सिमम टाइम 1000 से 1500 तक डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 12,000 के आसपास आ जाते हैं। वही पे 6GB 128GB का प्राइस है 14,999 और 8GB 128GB का प्राइस है 16,500। सेम डिस्काउंट आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई से भी बाय कर सकते हो। तो दोस्तों, ये डिवाइस होने वाला है रियलमी की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस रियलमी P1 5G, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैग मिलने वाला है। कैमरा मॉडल राउंड शेप पे मिलेगा, जहाँ पे आपको 2 कैमरा मिलेगा। उसके साथ साथ डिवाइस की वेट 188 ग्राम होने वाले, तो डिवाइस काफी हल्का है।
तो ओवरऑल डिजाइन काफी अच्छा है। वही अगर बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको मिलने वाले 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। तो डिवाइस काफी स्मूथ होने वाला है, उसके साथ साथ डिवाइस पे आपको 2000 नीट ब्राइटनेस भी मिलेगा, तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा है, यहाँ पे एमोलेड मिलता है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। नेक्स्ट बात करें इस डिवाइस के कैमरा के बारे में, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। कैमरा मॉड्यूल राउंड शेप पे होगा, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। वह बात करें फोन कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 705 चिपसेट, जो 6nm पे बेस है। और दोस्तों इसकी एंटू स्कोर 6 लाख से भी ज्यादा है, तो काफी पावरफुल सा एक चिपसेट है। यहाँ पे आप हाई लेवल की गेम प्ले भी कर सकते हो, तो गेमिंग के लिए भी आप इस डिवाइस को चूज कर सकते हो। बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, 6GB 128GB 8GB 256GB UFS 3.1 टाइप का। इस डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे दिया गया 5000mAh का लार्ज बैटरी विद 45W फास्ट चार्जिंग, जो इस डिवाइस को सिर्फ 27 मिनट पे 50% तक चार्ज कर देगा, जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको स्टेरियो स्पीकर की सपोर्ट भी दिया गया है। इस डिवाइस पे आपको 3.5mm जैक मिल जाएगा, NFC नहीं मिलेगा। डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 14 Realme UI 5.0 पर। डिवाइस पे आपको IP54 की रेटिंग भी मिलने वाले। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी जो बेस बैंड 6GB 128GB है, उसकी करंट एमपी प्राइस 16,000 है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद ये डिवाइस अंडर 15,000 में आ जाता है। वही पे बात करें सेकेंड बैंड 8GB 256GB की, तो उसके करंट टाइम पे प्राइस 17,000 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे रियलमी की एक काफी शानदार सा डिवाइस है, तो आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। तो ये डिवाइस होने वाले पोको की तरफ से, पोको X6 न्यू, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात कर लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैक के साथ प्लास्टिक फ्रेम मिलने वाला है। डिवाइस की वेट 175 ग्राम है, काफी हल्का है। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको IP54 की रेटिंग भी मिलने वाला है। तो डिवाइस काफी हल्का है, इन हैंड फील काफी अच्छा देगा। बात करें डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर मिलेगा। वहीं पे आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, तो डिवाइस काफी स्मूथ होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 1000 नीट पीक ब्राइटनेस की सपोर्ट भी दिया गया है, तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्प्ले काफी तगड़ी है, गेमिंग या फिर कंटेंट कंज्यूम के लिए काफी अच्छा होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिलने वाला है। वही मैं बात करें इस डिवाइस के कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें जाए डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 5G चिपसेट, जो 6nm पे बेस है, जिसकी एंटू स्कोर 4,50,000 के आसपास है, तो परफॉर्मेंस वाइज भी काफी अच्छा सा एक डिवाइस है। रैम रोम की बात करें, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलने वाला है 8GB 128GB 12GB 256GB UFS 2.2 टाइप के। डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिलने वाला है विद 33W फास्ट चार्जिंग। तो दोस्तों ये तो गया इसके सभी मेन फीचर। अब बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर के बारे में, तो सिक्योरिटी पे यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलने वाले, 3.5mm जैक मिलेगा, NFC इस डिवाइस पे आपको नहीं मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 पर रन होने वाला है। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो यहाँ पे आपको दो ब्रांड मिलेगा, जहाँ पे बेस ब्रांड 8GB 128GB के जो प्राइस है वो 15,000 है, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 14,000 के आसपास आ जाता है, तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। वह बात करें 12GB 256GB का प्राइस के बारे में, तो उसकी करंट टाइम पे प्राइस 17,000 है, सेम डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो इस प्राइस पॉइंट में काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो।
सो ये डिवाइस है रियलमी की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस रियलमी 11 5G जो एक काफी शानदार सा डिवाइस है। तो बात करें इसके लुक एंड डिजाइन की तो यहाँ पे आपको बैक पे राउंड शेप पे कैमरा मॉडल मिलेगा, प्लास्टिक बैक होगा, उसके साथ साथ एल्यूमिनियम फ्रेम में मिल जाएगा। डिवाइस की वेट है 190 ग्राम जो काफी हल्का है। तो लुक एंड डिजाइन रियलमी 11 सीरीज की सभी डिवाइस की सेम ही रहता है, सिर्फ कलर में थोड़ी बहुत चेंजेस आता है। दोस्तों बात करें इस डिवाइस के डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.72 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 550 नेट पीक ब्राइटनेस की सपोर्ट भी दिया गया है जहाँ पे आपको 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलने वाले 20:9 रेशियो के साथ। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी काफी तगड़ी है। और दोस्तों बात करें इस डिवाइस की कैमरा की तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है जिसकी मदद से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों बात किया जाए इस डिवाइस की फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है, इससे आप काफी अच्छी क्वालिटी का फोटो और वीडियो निकाल सकते हो। और दोस्तों बात किया जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस 5G चिपसेट। ये डिवाइस 5G के साथ आने वाले है। बात किया जाए रैम और रोम की तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिलेगा जहाँ पे बेस वेरिएंट पे 8GB रैम 128GB रोम मिलेगा, उसके साथ साथ 8GB रैम और 256GB रोम और एक दूसरे वेरिएंट पे मिलने वाला है। और दोस्तों मुझे सबसे अच्छी लगी इस डिवाइस के, इस डिवाइस पे आपको मिलने वाले 5000mAh का लार्ज बैटरी विद 67W फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों इस डिवाइस पे आपको 67W की चार्जिंग मिलने वाला है जिसकी मदद से आप 0-50% चार्ज सिर्फ 17 मिनट पे कर सकते हो जो काफी अच्छी बात है। वहीं पे इस डिवाइस पे सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है। ये डिवाइस रन होने वाले रियलमी UI 4.0 और एंड्रॉइड 13 पे। इस डिवाइस पे आपको डुअल सिम की सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसकी काइंड टाइम पे प्राइस 17,000 है, पर यहाँ पे मैक्सिमम टाइम 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसके प्राइस 15-16,000 के अंदर रहते हैं। तो इस प्राइस पॉइंट पे आप अगर पाते हो तो काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप इसे जरूर ले सकते हो। वहीं पे बात करें दूसरे वेरिएंट की 8GB प्लस 256GB उसकी काइंड टाइम पे प्राइस 19,999 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाय कर सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाले लावा की तरफ से लावा अग्नि 2। इसी टाइम पे इंडियन मार्केट में सिर्फ यही एक डिवाइस है जो आपको 20,000 के अंदर मिल रहा है। बाकी सभी जितने सारे डिवाइस है वो 24,000 या फिर 25,000 बेस वेरिएंट का प्राइस है। तो 20,000 के अंदर सिर्फ यही डिवाइस है। तो दोस्तों फीचर में सबसे पहले आपको मिलने वाला है 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस AMOLED कर्व डिस्प्ले जहाँ पे आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो डिस्प्ले काफी अच्छा है। और दोस्तों रेजोल्यूशन की बात करें तो 2400x1080 पिक्सल रेजोल्यूशन आपको मिलने वाला है। और दोस्तों बात करें कैमरे की तो रियर पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, उसके साथ साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा आपको मिल जाएगा। और वहीं पे मेन कैमरा से आप 4K तक वीडियो शूट कर सकते हो जो काफी अच्छी बात है। और बात करें फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलने वाले मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 चिपसेट जो 6nm पे बेस है जिसके एंटूसु स्कोर 5 लीक से भी ज्यादा है। तो परफॉर्मेंस वाइज भी ये डिवाइस काफी अच्छे होने वाले। उसके साथ जैसे कि ये एक 5G डिवाइस है तो यहाँ पे आपको मिलने वाले 13 5G बैंड जो इंडिया की सभी टाइप की बैंड को सपोर्ट करता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 16GB रैम मिलेगा जहाँ पे 8GB प्लस 8GB वर्चुअल रैम होगा और उसके साथ साथ 256GB का रोम मिलेगा। और दोस्तों इस मोबाइल पे आपको मिलने वाला है 5000mAh का बैटरी विद 66W की फास्ट चार्जिंग की साथ जो आपके मोबाइल के 50% चार्ज सिर्फ 16 मिनट पे कर देगा। और दोस्तों इस मोबाइल पे सबसे बढ़िया बात आपको एकदम क्लीन ओएस मिलने वाला है जहाँ पे आपको कोई भी ब्लूटूथ और एड्स देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों और फीचर की बात करें
तो बैक की जो डिजाइन वो आपको ग्लास का मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। और दोस्तों इस मोबाइल की आपको 3 कलर वेरिएंट मिलेगा जो काफी प्यारा कलर है। और दोस्तों बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस पहले ज्यादा था पर अभी घटा के इसकी प्राइस को 70,000 कर दिया है और मैक्सिमम टाइम सेल पे 16,000 के अंदर आ जाता है जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस प्राइस पॉइंट पे एक कर्व डिस्प्ले और काफी अच्छे अच्छे फीचर आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप अगर लेना चाहते हो इस डिवाइस को जरूर ले सकते हो। दोस्तों ये डिवाइस है Redmi की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Redmi Note 13 5G। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को डिटेल्स में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप जहाँ पे बैक कंप्लीट की ग्लास की होने वाला है। इस डिवाइस की वेट ओनली 174 ग्राम है। ग्लास बॉडी के साथ भी काफी हल्का, इन हैंड फील काफी अच्छा देगा। वो मैं बात करें इस डिवाइस की डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले जहाँ पे आपको 1 बिलियन कलर मिलेगा इस डिस्प्ले के। और डिस्प्ले को स्मूथ करने के लिए यहाँ पे आपको मिलने वाले 120Hz के रिफ्रेश रेट जो डिस्प्ले को काफी स्मूथ कर देगा। आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले 1000 nit पीक ब्राइटनेस जो काफी अच्छी बात है। डिस्प्ले को सेफ रखने के लिए यहाँ पे दिया गया कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन जो भी काफी अच्छी बात है। और दोस्तों बात करें इस डिवाइस के कैमरा की, तो रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी दिया गया है। वह भी बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा जिसे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 5G चिपसेट जो 6nm पे बेस है। इस डिवाइस के आपको 3 RAM ROM वेरिएंट मिलेगा जहाँ पे फर्स्ट 6GB 128GB 8GB 256GB 12GB 256GB। तो रैम रोम वेरिएंट काफी ज्यादा मिलने वाला है। बात किया जाए इस डिवाइस की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 5000mAh का लार्ज बैटरी विथ 33W फास्ट चार्जिंग। डिवाइस की सिक्योरिटी पे यहाँ पे आपको मिलने वाला है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 3.5mm जैक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर की सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, सिंगल स्पीकर ही मिलेगा। ये डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 13 और MIUI 14 पे। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको IP54 की डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ की सपोर्ट भी दिया गया है। तो दोस्तों ये तो गए इसकी सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसकी करंट टाइम पे प्राइस 17,000 टू 18,000 के अंदर फ्लैक्चुएट हो रहा है। उसके साथ साथ 8GB प्लस 256GB का जो प्राइस है वो 19,000 है और 12GB और 256GB का प्राइस अभी करंट टाइम पे 21,000 के आसपास है। पर मैक्सिमम टाइम बेस वेरिएंट पे यहाँ पर 1,000 या पर 1,500 इसके आसपास डिस्काउंट मिल जा रहा है। डिस्काउंट की बात इसकी प्राइस 16,000 के आसपास आ रहा है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी वेरिएंट को चूज कर सकते हो। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो दोस्तों ये डिवाइस है टेक्नो की तरफ से टेक्नो पोबा 5 Pro 5G। इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग डिवाइस है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते इसके लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको बैक एकदम ट्रांसपेरेंट मिलेगा, एकदम नथिंग जैसा ही है। और यहाँ पे आपको 3 बड़ा सा LED लाइट भी मिल जाएगा जिसके कलर आप आपके खुद के मुताबिक चेंज कर सकते हो कोई भी कलर पे। और दोस्तों इस लाइट को एज अ नोटिफिकेशन या फिर म्यूजिक की बीट पे भी यूज कर सकते हो जो काफी अच्छी फीचर है। उसके साथ साथ कम्प्लीटली गेमिंग लुक भी मिल जाएगा और जो बैक है वो प्लास्टिक का होने वाला है। तो दोस्तों ये तो होगा इसका लुक एंड डिजाइन। अब बात कर लेते हैं इसकी सभी फीचर के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.78 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले जहाँ आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा विथ 580 nit पीक ब्राइटनेस के साथ। और दोस्तों जैसे कि ये एक गेमिंग डिवाइस है, तो यहाँ पे आपको काफी तगड़ी परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 5G चिपसेट जो 6nm पे बेस है और जिसकी एंटीटू स्कोर 4 लाख के आसपास है। तो इस डिवाइस पे आप कोई भी टाइप की गेम खेल सकते हो इजीली। और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको सेपरेट सा वेपर कूलिंग चेंबर भी मिल जाएगा जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा इनहेंस कर देगा।
और दोस्तों बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 8GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा बेस ब्रांड पे, वही पे आपको अदर ब्रांड पे 8GB रैम 256GB रोम मिल जाएगा। वही पे बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होगा, उसके साथ साथ एक 0.08MP का ऑक्सिलरी लेंस भी मिल जाएगा। वही पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16MP का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक हाइलाइटेड फीचर मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिलने वाला 5000mAh का लार्ज बैटरी विद 68W फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे आपको इंडिया पे यही एक ब्रांड है जो 68W की फास्ट चार्जिंग को प्रोवाइड कर रहा है, जो काफी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ सिक्योरिटी पे यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है। डिवाइस एंड्रॉइड 13 और iOS 13 पे रन होगा, और दोस्तों ये एक 5G डिवाइस होने वाला है। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरियंट है, उसकी प्राइस इंडियन मार्केट पे 14,999 है, मतलब अंडर 15,000 पे वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग मोबाइल मुझे यही लगता है। तो आप अगर चाहते हो एक गेमिंग डिवाइस उसके साथ साथ काफी अच्छी लुक भी मिल जाए, तो इसके साथ जरूर जा सकते हो। इस प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाए।